गुड मॉर्निंग कुलदीप, गुड मॉर्निंग। पायल रोड, गुड मॉर्निंग। कहाँ रहते हैं आप लोग? तो दिखते नहीं पहले। कुलदीप तो शायद सुना हुआ नाम लग भी रहा है। कुलदीप तो आता है पढ़ने से। पायल तो फर्स्ट टाइमर लग रहा है बेटा। रामकृष्ण भारती अब तो आते हैं बेटा। गुड मॉर्निंग रामकृष्ण। दो चार मिनट रुकते हैं, वहां जा रहे हैं सब। स्टार्ट तो करना ही है। सुजाता गुड मॉर्निंग, आज आप लेट हो गई। कल हमने आखिरी में एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगाया था, जिसमें मैंने पूछा था कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ, गुड मॉर्निंग राकेश, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोल्ट दैट कैन बी प्रोवाइडेड इन 300 mm वाइड प्लेट। ठीक है, ये हमने बात की थी, ये याद होगा आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ बोल्ट। और ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या रहता है, आपको याद रहना चाहिए कि मिनिमम पिच कितनी होती है, मिनिमम एंड रेजिस्टेंस कितनी होती है। यही तो पूछा था ना कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोल्ट, यही पूछा था आपसे, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोल्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ बोल्ट पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम स्पेसिंग देनी पड़ेगी। और मिनिमम स्पेसिंग का दो ही चीज ध्यान रखा करिए, पिच बार बार बोल रहा था कि पिच और एंड डिस्टेंस ही काम की चीज है, जहां फॉर्मूले वाले जो खूब काम आएगी। तो पिच मिनिमम कितनी लेते हैं, पिच मिनिमम लेते हैं 2.5 डी, पिच मिनिमम लेते हैं 2.5 डी, और एंड डिस्टेंस 1.5 डी एच या 1.7 अगर नहीं गिवन है तो मैं मान लूंगा कि राउंड एज है, राउंडेड एज है, और ये लूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए find out number of bolt required to make the connection. ठीक,
कुछ चीजें और भी गिवन है, क्या गिवन है, बोल्ट का ग्रेड गिवन कि M16 बोल्ट होना चाहिए, M16 बोल्ट होना चाहिए और उसका ग्रेड 4.6, ठीक है, तब नंबर ऑफ बोल्ट बताओ, ये भी जरूरी है। दूसरी चीज प्लेट का ग्रेड, प्लेट का ग्रेड का मतलब जिस जिस पार्ट्स को जोड़ रहे हैं उन प्लेट का ग्रेड जो है वो Fe410 है, ठीक, और कुछ चीजें आप अपने हिसाब से मानिएगा, ठीक। और कनेक्शन कैसा, कनेक्शन ये ऐसे, ये दो प्लेट हो गई, ये दोनों प्लेट हो गई, ये मान लीजिए 18 mm की प्लेट है और ये भी 18 mm की प्लेट है, और इस पे ऊपर हमने कवर लगाया है, इस पे भी कवर लगाया है, ऊपर ऊपर इस पे भी कवर लगा है, और कवर प्लेट जो है वो 10 mm की, कवर प्लेट कितने की है, 10 mm की है, और कवर प्लेट 10 mm की है, और यहाँ पे ऐसे दो बोल्ट लाइन है, दो बोल्ट लाइन होने का मतलब ये नहीं कि दो एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोल्ट कहाँ पता लगता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोल्ट आपको कहाँ पे पता लगता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोल्ट आपको पता लगता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोल्ट आपको पता लगेगा किस जगह पे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोल्ट कहाँ पर पता लगेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोल्ट हमें पता लगेगा प्लान में, और इस पे लोड ऐसे लग रहा है 250 kN, यहाँ पर लोड कितना लग रहा है 250 kN, और यहाँ पर भी लोड कितना लग रहा है 250 kN, ठीक है, और ये भी गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है आपको, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 30 mm और ये गिवन है आपको 40 mm, और यहां से लेके फिर ये वाली डिस्टेंस फिर से 30 mm है और ये डिस्टेंस 40 mm है, या कहीं और बड़ा बना दूं डायग्राम, और बड़ा डायग्राम बना दूं जल्दबाजी में नहीं काम करना, ये रही एक प्लेट, ये रही दूसरी प्लेट, और इस पे एक लोड लग रहा है 250 kN यहाँ पे, और यहाँ पर भी 250 kN, यहाँ पर भी 250 kN, इस पे एक कवर प्लेट ये है, एक कवर प्लेट ये है, ये 18 mm है मेन प्लेट, ये भी 18 mm की मेन प्लेट है, और बोल्ट जो लगे हैं ये डबल बोल्टेड है, डबल बोल्टेड है, इसका समझिए नंबर ऑफ बोल्ट टोटल नहीं है, ये नंबर ऑफ बोल्ट नहीं है टोटल, ठीक है, ये रहा, ये है 30, ये 40 mm और ये भी 30 mm ही होगा, ठीक है, देखिएगा कैसे, ये 30 mm होगा, ये 40 mm होगा और ये 30 होगा, इसको चलो और थोड़ा सा बड़ा बनाओ, ये 300 kN, और आपसे पूछा है नंबर ऑफ बोल्ट बताओ, तो कंफ्यूज हो रहा है वो तो देख लीजिए इस पे कि नंबर ऑफ बोल्ट तो दिख रहा है, ये जिनको इसका प्लान क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता, वैसे ऐसे क्वेश्चन में ये ऐसे, और यहां पर दो लाइन दिखाएगा, इस जगह पे दो लाइन दिखाएगा, और ये कवर है आपका, ये कवर प्लेट का है, तो इसके नीचे तुमको बोल्ट दिखेगा, कितना दिखेगा ये नहीं पता है, इसके नीचे तुमको बोल्ट दिखेगा, मिनिमम तो एक होगा ही होगा, मिनिमम तो एक होगा ही होगा, एग्जैक्ट कितने होंगे सर वो हमको पता लगेगा, क्या करके सॉल्व करके पता लगेगा, बताइए कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल सा बताऊंगा कैसे, सर मान लीजिए कि एक बोल्ट की मैक्सिमम औकात, एक बोल्ट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ सर 40 kN की, कितने की है सर 40 kN की, तो टोटल नंबर ऑफ बोल्ट कितने चाहिए सर, टोटल नंबर ऑफ बोल्ट कितना लोड आ रहा है सर 300 kN, तो सिंपल सा कितना हो जाएगा सर 300 / कितना 40 kN, तो इतने नंबर ऑफ बोल्ट चाहिए, कहाँ के लिए, इधर के लिए भी इतने ही, उतने भी उधर के लिए, और मान लो कितना है 300/4 या 4/28 तो 7.5 नहीं 8 प्रोवाइड करोगे, 8 प्रोवाइड करोगे, और 8 कैसे प्रोवाइड करोगे, 8 दो बोल्ट लाइन में प्रोवाइड करोगे, है ना, कि ये दो बार है तो 4 इधर प्रोवाइड कर देना, 4 उधर प्रोवाइड कर देना, ठीक है सर, तो हमको निकालना क्या है, हमको सर ये 40 निकालना है कि 40 कितना आया, और 40 क्या है, 40 सर आप बता तो रहे हैं कि ये औकात है बोल्ट की, मतलब बोल्ट की क्या है स्ट्रेंथ, तो आपको बोल्ट की क्या निकालना है, आपको ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक काम होता है कि बोल्ट का क्या निकाल दिया जाए, बोल्ट का निकाल दिया जाए डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बोल्ट की क्या निकाला जाए डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैसे निकलेगा, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के लिए आपको क्या चाहिए VDS भी और VDP भी और तीसरा क्या चाहिए TDB,
टीडीपी का तो यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि तो बोर्ड डिटेंशन में पहली नहीं होगा, तो जबरदस्ती उसको मान के अपना टाइम और अपनी अपनी इकोनॉमी क्यों खराब करें? तो ये दिस शुड नॉट बी कंसिडर, दिस शुड नॉट कंसिडर। इसको कंसिडर नहीं करोगे तो इन्हीं दोनों में से क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ट्राई करिए, फॉर्मूला वॉर्मूला पलट के देखिए पेज। कैसे निकालोगे VDSD, कैसे निकालोगे VDSD का मतलब हुआ, VDSD का मतलब हुआ डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ज्यादा नहीं होगा तो मैं क्या करूं, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, क्या फॉर्मूला होता था, करेक्शन नहीं लगेगा इसमें, एक भी देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। VDSD का फॉर्मूला होता था सर, आपने बताया था कि ये शियर फोर्स निकालना है तो शियर स्ट्रेस इंटू में एरिया, और शियर स्ट्रेस क्या होगी सर, एफ यू बी अपॉन में रूट थ्री इंटू में गामा एम बी। ठीक, और सर इधर होता था एन एस ए एस बी और एन टी इंटू में ए टी बी। ठीक, अब पहले इसकी बात करो, एन एस और एन टी क्या होता था, मैंने कहा था कि एन एस और एन टी होते नंबर ऑफ शियर प्लेन, जो प्लेन सैंक से और थ्रेडेड सैंक से पास हुआ है। तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं, इसलिए न्यूमेरिकल करने तुमको मजा नहीं आया, और मैंने लिखा है बता, इसमें बताया गया नहीं कि कहाँ से पास हो रहा है, तो क्या मानना हमेशा कि सारे थ्रेडेड से पास हो रहे हैं। तो सबसे पहले अज्यूम करिए, सबसे पहले अज्यूम करिए, क्या अज्यूम करें कि सीयर प्लेन पासेस फ्रॉम कहाँ से, सीयर प्लेन पासेस फ्रॉम थ्रेडेड सेक्शन, सीयर प्लेन पासेस फ्रॉम कहाँ से, पासेस फ्रॉम थ्रेडेड सेक्शन, फ्रॉम थ्रेडेड सैंक, थ्रेडेड सैंक से पास हो रहे हैं। थ्रेडेड सैंक से पास होने का मतलब हुआ कि एन टी इक्वल टू टू और ns इक्वल टू जीरो। क्यों? क्यों एन टी टू होगा, क्योंकि डबल कवर बट जॉइंट है। एन टी इक्वल टू टू मतलब क्योंकि डबल सीयर प्लेन, डबल सीयर प्लेन है, डबल कवर बट जॉइंट, ये तो बता चुका हूँ आपको, डबल कवर बट जॉइंट है, तो ये डबल सीयर प्लेन हो जाएगा। एफ यू भी कैसे निकलेगा, ग्रेड गिवेन है, ग्रेड कितना गिवेन है बोल्ट का, ग्रेड 4.6 गिवेन है। तो इसके लिए जब बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेस बताया था तो 4 इंटू कितना 100, तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और यील्ड की हमको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर यील्ड चाहिए तो एफ वाई बी हो जाएगा 400 इंटू में 0.6 मतलब 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एन टी इक्वल टू टू है, एन टी इक्वल टू टू है, ए टी बी मतलब थ्रेडेड सैंक का एरिया, और थ्रेडेड सैंक का एरिया मैंने वैसे पहले बताया था कि अगर टेबल याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो ए टी बी थ्रेडेड सैंक का एरिया के लिए सबसे सुंदर है काम 0.78 इंटू में पाई बाई 4 इंटू में डी स्क्वायर। और डी कितना है, डी कितना है सर, एम 16, एम 16 के लिए डी का मतलब 16 है, ये हो गया पाई बाई 4 इंटू में 16 का होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर कहां से आ गया, पाई बाई 4 इंटू में 16 स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर इंटू में पाई 201.0। अच्छा, ये लिया 201 mm स्क्वायर, सिर्फ इतना लीजिए काम चल जाएगा। ठीक, अब सब कुछ पुट कर दीजिए, हो तो गया गामा एम बी 1.25 होता ही है, तो VDSD की वैल्यू आ गई कितना, 400 अपॉन रूट 3 गामा एम बी 1.25, और NS 0 ही हो गया, ND कितना 2, ATB कितना, ATB सर 201। तो ये आया सॉल्व करने पे 400, और ये न्यूटन में आएगा, क्यों, क्योंकि ये न्यूटन में है, न्यूटन पर हमने स्क्वायर रखा है, तो इसको किलो न्यूटन में बदलने के लिए पहले 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा या बाद में कर लीजिएगा। 400 इंटू 2 इंटू 201 डिवाइडेड बाय 1.25 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय रूट थ्री और डिवाइडेड बाय 1000, 74.27 किलो न्यूटन। VDSD आया 74.27 किलो न्यूटन, ये हो गया VDSD।
ठीक ठीक तो इसमें एक क्वेश्चन करने में इतना डेटा चाहिए होगा, फॉर्मूले में लगता तो है ठीक है, फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आ गया, लेकिन आप देखिए आपको ये सब ये चीज इसका अर्थ पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तब जाके ये निकलेगा। ठीक है तो है तो पुट द फॉर्म, आंसर पुट करना है, क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करना और आंसर मिलता जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है, उसके आगे पीछे बहुत लंबी कहानी है। ये डिजाइन शियर स्ट्रेंथ आप क्या हो गए, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ आप बोल्ट हो गए। इसी तरीके से मान लीजिए इसी तरीके से डिजाइन बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मान लो निकालना हो तो डिजाइन बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना हो तो डिजाइन बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मतलब सर वीडीपी, हाँ वीडीपी, और वीडीपी की वैल्यू कितनी होती है सर, वीडीपी होता है 2.5 इंटू केबी इंटू डी इंटू टी इंटू एफयू, और एफयू यार करो क्या होता है सर, एफयू प्लेट का होता है बोल्ट का नहीं होता है। आप लोग बैठे क्यों हैं, न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल मैं अकेले थोड़ो करूंगा, न्यूमेरिकल मैं अकेले का क्यों करूं, आप लोग बोलते ही नहीं कुछ। ठीक है यही तो होता है, केबी क्या होता था सर, केबी इज मिनिमम ऑफ व्हाट, केबी इज मिनिमम ऑफ ई अपॉन में 3 डी एस, ई अपॉन में 3 डी एस, पी अपॉन में कितना, पी अपॉन में 3 डी एस माइनस में 0.25, और एफयू बी अपॉन में एफयू अपॉन में कितना, और इनमें वन में जो सबसे छोटा होगा वही केबी की वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखते हैं एंड डिस्टेंस क्या है। अब आप देखिए एंड डिस्टेंस, इसमें एंड डिस्टेंस पता है आपको क्या है, ये वाली है, ये देखिए ये एंड डिस्टेंस है, कैसे सर, प्लेट के एंड से लेके यहां तक की डिस्टेंस पहले वाले बोल्ट तक की, या ऐसे देखो ये कवर प्लेट है, हाँ सर ये कवर प्लेट है, हाँ, और यहां पर बोल्ट ऐसे लगा होगा, मैंने बोला ना कि लोड की डायरेक्शन, लोड की डायरेक्शन में, लोड की डायरेक्शन में प्लेट के एंड से पहले वाले बोल्ट तक की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस। और यहां पर दो बोल्ट के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। तो हमेशा याद रखिए कि बोल्ट जब कभी भी कनेक्शन में ऐसे डायमेंशन गिवेन हो तो कंफ्यूज मत हो जाए करो, ये जो लास्ट वाली होंगी, ये लास्ट वाली जो होंगी ये एंड डिस्टेंस होंगी, और जो बीच में होंगी डिस्टेंसेस वो पिच होंगी। ठीक है देख लीजिए क्या है, ये रही आपके पास, ये रहा मान लो कवर प्लेट का एंड, और यहां पर तुम्हारे पास पहला बोल्ट लगा तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि ये एंड डिस्टेंस हो जाएगी, और दो बोल्ट के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लोड के डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए ये चीज, याद रखिए कि डायग्राम में अगर ये ऐसे गिवेन है तो ये 100% क्या होगा, ये 100% एंड होगा, और ये 100% क्या होगा, पिच होगा। तो ई की वैल्यू 30 mm है और पी की वैल्यू 40 mm है, mm नहीं लिखा है लेकिन याद रखिए। डीएच क्या है, डीएच है डायमीटर ऑफ पोल, ई कितना है, ई है 30 mm, ई है 30 mm, पी कितना है सर, पी 40 mm। डीएच मतलब डायमीटर ऑफ पोल, और डायमीटर ऑफ पोल मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट इनटू में 2 प्लस में 2 6, ये हो गया। एफयूबी मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मतलब 400, 400, और एफयू कितना है सर, एफयू का मतलब समझते हैं, एफयू का मतलब प्लेट का ग्रेड, तो ये एफई 410 है, और इसको मैंने बताया था कि अगर प्लेट का ग्रेड एफई 410 है तो इसका मतलब प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ मटेरियल की एफई 410 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 250 अपॉन में कितनी है, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एफयूबी 400 है और प्लेट का ग्रेड, प्लेट का ग्रेड 400 है तो इसकी 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो। ठीक अच्छा ये तो क्या केवी, केवी सॉल्व करते हैं, केवी कितना है, केवी मिनिमम ऑफ किसका, किसका मिनिमम ऑफ ई अपॉन में 3 डी एस, ई की वैल्यू ये डीएस कितना, ये 3 × 18, पी अपॉन में 3 डी एस, पी अपॉन में 3 डी एस 3 × 18 माइनस में 0.25, ये कितना एफ यू भी 400 और ये कितना 410, और ये वन इस पर पहला वाला ही मिनिमम आएगा, देख के लग रहा है। केवी कितना है बताइए, केवी कितना है बेटा,
नहीं, दूसरा वाला आ रहा है, ये मिनिमम आ रहा है। अभिनव सिंह ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ा यार मैंने। अभिनव रामकृष्ण भारती ठीक है, और लोग क्या करना है, क्या चाह रहे हैं आप, मैं भी क्वेश्चन करा के निकलूं क्या, डिक्टेट ना करूं क्या? अगर केवल यही बात है कि क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो फिर मैं क्यों समय खराब करूं आपका? चलो ठीक है, तो केबी की वैल्यू इससे आ गई जो मिनिमम वाली है 0.49, ठीक, ये हो गया केबी। अब आते हैं टी पे। टी टी मतलब ये कल ही बताया था कि टी डबल कवर बट ज्वाइंट के केस में याद करिए, टी क्या होता था, मिनिमम किसका किसका, मेन प्लेट की थिकनेस जो कम वाली हो, यहां पे तो दोनों बराबर हैं, और सम ऑफ कवर प्लेट, सम ऑफ कवर प्लेट, तो एक ये कवर प्लेट, अच्छा पहले वाले में लिखा था इसमें भूल गया था, ये कवर प्लेट भी 10 mm की है, ये कवर प्लेट भी कितने की है, 10 mm की, तो सम ऑफ कवर प्लेट मतलब 10 + 10, और ये टी की वैल्यू कितनी आ गई, ये टी की वैल्यू आ गई 18 mm, टी आ गया हमारा 18 mm। अब पुट कर दीजिए, अब पुट कर दीजिए, अब तो क्वेश्चन हो चुका है, अब मैं हटा सकता हूँ इसको, डेटा नहीं चाहिए। अब 300 kN लोड लगा था, ये देख लेना बस, ठीक। तो पुट करिए उसमें, वीडीपी भी इक्वल टू, वीडीपी भी 2.5, केबी कितना 0.49, डी 16, टी कितना टी 18, एफयू कितना एफयू 410, और अपॉन में गामा एमबी मतलब 1.25, ठीक। वीडीपी भी निकाल के बताइए, 2.5 इंटू में 0.49 इंटू में 16 इंटू में 18, 410 डिवाइडेड बाई 1.25 डिवाइडेड बाई 1000, ये आया 115.7184 कितना 7184 kN, ठीक है। तो अगर बोल्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ पूछी जाए तो, बोल्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ पूछी जाए तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना आएगा सर, इन दोनों का मिनिमम, और मिनिमम का मतलब किसका, बोल्ट उसका सीयर स्ट्रेंथ कितनी आई थी, वो हटा दिया मैंने, सीयर स्ट्रेंथ कितनी आई थी बोल्ट की, सीयर स्ट्रेंथ बोल्ट की कितनी आई थी बताइए जल्दी से, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट वो मिनिमम होगा ना उन दोनों का, बोल्ट की सीयर स्ट्रेंथ कितनी आई थी, किसी ने लिखा ही नहीं मुझे लग रहा है, अच्छा लिखा है 74.27, ठीक है सुजाता थैंक यू भैया, 74/27 kN, ठीक है मिनिमम आएगा। अब नंबर ऑफ बोल्ट कैसे पता लगेगा सर, नंबर ऑफ बोल्ट पता लगेगा, नंबर ऑफ बोल्ट पता लगेगा लोड टू बी कैरीड, लोड टू बी कैरीड, लोड कितना कैरी करना है, और बोल्ट के एक बोल्ट की औकात कितनी है, ठीक है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट, ठीक, तो देख लीजिए 300 kN है और ये कितना है 74.27, ठीक, तो कितना हो गया सर, कितना हो गया सर, 300 बटे जब ये करोगे 75 दुनिया 4 पॉइंट समथिंग आएगा,
समथिंग आएगा, बस समथिंग आएगा ये, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो 300 डिवाइडेड बाई 74.27, 74.27, 4.03, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कितने बोल्ट प्रोवाइड करूं सर, चार प्रोवाइड करूं, नहीं चार नहीं प्रोवाइड करना है, 4.03 तो मिनिमम होने ही चाहिए। तो मैंने बोला कि लेट प्रोवाइड कितने, फाइव नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करना है। अब वैसे तो क्वेश्चन गेट के हिसाब से क्वेश्चन ठीक है, लेकिन अगर आईएस वाईएस का प्री चल रहा है तब भी ठीक है, लेकिन मेंस है तो मेंस में आपने ये पांच नंबर ऑफ बोल्ट कैसे प्रोवाइड किए हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा, पांच नंबर ऑफ बोल्ट कैसे प्रोवाइड किया है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं है सर, ये सर ऐसे था, ये ऐसे, और यहां पे कवर था, ये कवर था, और बोल्ट देखिए इस प्लेट पर भी 300 किलो न्यूटन था और इस प्लेट पर भी 300 किलो न्यूटन था, दोनों प्लेट पर 300 किलो न्यूटन है ना, हाँ सर। तो ये जो टोटल पांच नंबर ऑफ बोल्ट है ये एक जगह के लिए, मतलब यहां पर पांच नंबर ऑफ बोल्ट और वहां के लिए पांच नंबर ऑफ बोल्ट, आपने देखा था कि बोला गया था कि एक बोल्ट लाइन यहां पर होनी चाहिए, बोल्ट लाइन, और कितने बोल्ट है, पांच बोल्ट, कितने बोल्ट है, पांच बोल्ट है। तो सर पांच बोल्ट दो लाइन में देने हैं, कैसे दूंगा मैं सर, दो दो ढाई ढाई तो होता नहीं, तो आप क्या करिए, कुछ ना करिए, यहां पे क्या करिए, ऐसे कर दे दीजिए, दो इस पे दे दीजिए, लोड के जितना नजदीक हो सके उतना कम दीजिए, उतने होल कम करिए, और यहां पर कितने दे दीजिए सर, यहां पर ऐसे तीन बोल्ट दे दीजिए, ठीक है। इधर वाले में भी, इधर वाले कनेक्शन में भी, यहां पर भी पांच बोल्ट लगेगा, ऐसे दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए, और इसको जस्ट सामने होना चाहिए, ये ऐसे दे दीजिए, ये हो गया पांच बोल्ट, ठीक है। तो इसमें एक गलती तो यही हो जाती है, आप लोग कर लेते हैं कि सर पांच नंबर है, ढाई यहां दूंगा ढाई वहां, नहीं, इस प्लेट पर भी 300 किलो न्यूटन है, उस प्लेट पर भी, आप इसको एक कनेक्शन क्यों देखते हैं, डबल कवर बट ज्वाइंट में हमेशा दो कनेक्शन होते हैं, कैसे, ये देखिए डबल कवर, या सर कवर प्लेट का मेन प्लेट वन से और कवर प्लेट का मेन प्लेट टू से दो कनेक्शन होते हैं, तो 300 किलो न्यूटन ही तो तुमने लोड लिया था और 300 के लिए पांच बोल्ट आया था, तो 300 के लिए यहां पर पांच बोल्ट आया और यहां के लिए भी 300 के लिए कितना आएगा, पांच ही बोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये गलती नहीं करनी आपको, नहीं पांच में ही दोनों जगह देने लगे, ठीक। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक बराबर नंबर ही बोल्ट दें, कि इसमें भी दो दूंगा तो इसमें भी दो दूंगा, एक कहां जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज तो उसने बोल दिया था कि भाई दो बोल्ट लाइन, ऐसे दो लाइन दिख रही, समझ जाना दो बोल्ट लाइन में ही देना है, और अगर उसने कहीं कहा होता कि कुछ तुम अपने हिसाब से दे दो, तब भी अपने हिसाब से दे दो, चाहे जितने भैया, मान लो कि ऐसे होता तो, ये सर ऐसे होता तो कनेक्शन, देखिए बेटा समझ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये सर ऐसे होता कि पांच बोल्ट देना है लेकिन तीन बोल्ट लाइन में देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें क्या, एक मैं यहां दे दूंगा, ठीक, दो यहां दे दूंगा, ठीक, दो दो चार, और फिर क्या करूंगा सर, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं दो यहां दे दूंगा, ठीक है, देना सब में है। ऐसा मत करना कि चार यहां दे दिए, यहां खाली छोड़ दिए, ये भी तो कर सकते थे कि सर चार यहां दे देता है, नहीं, इधर भी आपको देना है। तो ये मैं कह रहा हूं कि गेट में नहीं जरूरी है, क्योंकि गेट में आपसे हमेशा नंबर ऑफ बोल्ट पूछेगा टोटल, आईएएस के प्रीवरी में हर जगह नंबर ऑफ बोल्ट ही पूछता है, लेकिन कोई आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं जिसमें चीजें आपको लिख के दिखानी भी है, तो उसमें लास्ट में आपको ये बनाना पड़ेगा कि आपने बोल्ट कैसे दिया है, और आप टेंशन मत लीजिएगा, इसमें क्या, इसमें गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, मतलब तुम तीन यहां पर प्रोवाइड कर देना, दो यहां पर भी प्रोवाइड कर देना, तभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमको अगर मैं अपना अपने आप को लिमिटेड करूं नंबर ऑफ बोल्ट तक, तब तो सर कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ बोल्ट पांच देने हैं, वो कैसे देने भगवान जाने, हमें क्या मतलब है, और आपका इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। ड्राइंग नहीं बना, वो ड्राइंग पूछता नहीं है आईएएस मेंस के पेपर में, लेकिन आपका मन है आप बना दीजिएगा, जैसे अच्छा नंबर लेने की बारी होती है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा
इग्नोरिंग ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए नहीं करा रहा अभी। ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ का एक अलग से न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ। इग्नोरिंग ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ कराऊंगा, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ अभी, रुकिए। इग्नोरिंग ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, कैसे है? ये वही क्वेश्चन है जो अभी कराया है, लेकिन बस थोड़ा सा देख लीजिए। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, बनाइए बेटा। ये 18 mm प्लेट, ये भी 18 mm प्लेट, यहां पे पी, अब की बार यही पी तो निकाल, एक तरीके से सॉल्व होना है, निकलेगा नहीं। और हाँ, और यहाँ पे ये है कवर प्लेट 10 mm की है, ये भी 10 mm का है, ठीक है, दोनों 10 mm का है। और क्या बताना चाहिए भैया लोगों को? और बताना है इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि फोर नंबर ऑफ M16 बोल्ट प्रोवाइडेड, या यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा, इसके नीचे तो डायग्राम बनेगा। फोर नंबर ऑफ M16 बोल्ट ऑफ ग्रेड M16 ऑफ ग्रेड, अरे यार, फोर नंबर ऑफ M16 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 इज प्रोवाइडेड इन अ सिंगल बोल्ट लाइन विथ पिच 45 mm and distance 30 mm, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन में गिवेन है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, और इसका दूसरा प्रोजेक्शन ऐसे गिवेन है, अब तुमको बताया था उस दिन कि जिसमें ये कॉन्टिन्यूस वाली लाइन दिखाए, ऐसे जिसमें ये कॉन्टिन्यूस वाली लाइन दिखाए, ये वैसी ही प्लेट है। जब ये वाली लाइन ऐसे दिखाता था तो हम बोलते थे लॉन्ग प्लेट है, और अगर विड्थ वाइज दिखा रहा है तो ये कैसी प्लेट है? व्हाइट प्लेट है, ठीक। और यहां पे आपको क्या दिखेगा? इस जगह पे आपको कवर दिखेगा। क्वेश्चन में देखिए बोल भी रहा है कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट है सर? फोर नंबर ऑफ बोल्ट M16 बोल्ट ऑफ ग्रेड 0.46 इज प्रोवाइडेड इन अ सिंगल बोल्ट लाइन। मैंने बताया था कि लोड के परपेंडिकुलर ये बोल्ट का अरेंजमेंट ये वाला जो होता है लाइन होता है, तो हाँ सर ठीक तो है, सिंगल बोल्ट लाइन में ही तो प्रोवाइड है, और कितने? 4 बोल्ट प्रोवाइड है, तो ये 4 बोल्ट प्रोवाइड है, 1, 2, 3, 4, इधर भी 4 प्रोवाइड है, ठीक है, 1, 2, 3, 4। और क्या कह रहा है कि बोल्ट के बीच की स्पेसिंग जो है सिंगल बोल्ट लाइन विद पिच 45 mm। आपको बताया था कि वाइड प्लेट के केस में पिच क्या होती है? लोड से मतलब नहीं होता, लोड तो इसमें भी अभी ऐसे लग रहा है। वाइड प्लेट के केस में आपको बताया था कि पिच क्या होती है? पिच होती है सर इन लॉन्गर डायमेंशन ऑफ कनेक्शन, जैसे ये है कनेक्शन, ठीक, तो कनेक्शन इधर भी गया है, इधर भी गया है, लेकिन कनेक्शन की लॉन्गर डायमेंशन ये है, तो इसके बीच में जो बोल्ट की बोल्ट टू सेंटर डिस्टेंस है, इसको आप क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। दिस वन इज नोन एज पिच। तो इसका मतलब इसमें तो शॉर्टर और लॉन्गर है ही नहीं है, तो मतलब ये वाली डायमेंशन आपकी क्या है? पिच है। यहां पर भी वही है, लेकिन मैं इधर छेड़खान नहीं करना चाहता, ये 45 mm, ठीक है। और क्या है इस क्वेश्चन में? ठीक, और एंड डिस्टेंस सर 30 mm बता रहा है, तो ये एंड डिस्टेंस 30 mm हो गई। ये एंड डिस्टेंस कितना बाबूजी? ये एंड डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई सर? 30 mm हो गई प्लेट की, इधर से भी 30 mm होगी, या एक साइड से तो जहां से नजदीक पड़ेगा उधर से एंड डिस्टेंस ही होगी। अच्छा, अब क्या किया जाए? सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए कि इस क्वेश्चन में ये कैसी प्लेट है सर? ये वाइड प्लेट है। हमको ये तो पता है, क्या पता है सर? कि 4 नंबर ऑफ बोल्ट यूज हो रहे हैं, लेकिन हमें प्लेट की विड्थ नहीं पता है। क्वेश्चन में कैसे क्यों नहीं पता?
सर क्वेश्चन में कहीं लिखा तो है नहीं कि प्लेट की विड्थ नहीं है, डायग्राम में भी सर प्लेट की विड्थ नहीं है, कैसे नहीं है सर? ये थोड़ो विड्थ होगी, क्यों ये विड्थ क्यों नहीं हो सकती है सर? ये विड्थ नहीं हो सकती क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी का साइन है कि अभी ये प्लेट और इस डायरेक्शन में, तो कुल मिला के हमको प्लेट की विड्थ क्वेश्चन में नहीं पता है। हमें क्वेश्चन में क्या नहीं पता है, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज तो यही है कि हमें प्लेट की विड्थ, हमें पूरी कनेक्शन गिवन ही नहीं है। ठीक है, प्लेट विड्थ इज नॉट प्रोवाइडेड। ये आपको मैं समझा चुका हूं कि कनेक्शन के लैंग्वेज में भी कहीं पर प्लेट की विड्थ नहीं है, और इस डायग्राम में ये तो लेंथ हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है, ये लेंथ हो सकती, क्योंकि मैंने बोला था कि ये लाइन का मतलब यहां तक, यहां से लेकर यहां तक लिमिटेड है। लेकिन अगर ये ऐसे दिखा रहा है ऐसे, तो इसका अर्थ होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, अभी भी इधर और प्लेट है, प्लेट इधर भी है, तो ये कभी भी विड्थ हो ही नहीं सकती। तो विड्थ हमको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं। ठीक, प्लेट विड्थ इज नॉट गिवन। ठीक, तो अगर प्लेट विड्थ गिवन नहीं होती, अगर कनेक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो मैंने क्या बोला था कि ऐसे केस में हम प्लेट की एक स्मॉल विड्थ को लेके एनालाइज करते हैं, और वो स्मॉल विड्थ ऑफ प्लेट किसके बराबर होती है? पिच के बराबर होती है। ठीक, ये मैं बोल चुका हूं। देन ए स्मॉल विड्थ ऑफ प्लेट इक्वल टू किसके बराबर? इक्वल टू पिच इज सेलेक्टेड एंड एनालाइज। ठीक है, कुछ भी। अब क्या करें? अब आपसे बोल रहा है कि एक स्मॉल विड्थ लो, और उस स्मॉल विड्थ वो विड्थ कितनी हो? पिच के बराबर हो। कल ही आपको मैंने बोला था कि चाहे जहां से लेंगे आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक नंबर ऑफ बोल्ट मिलेगा। तो इसमें देखिए, एक पिच में कितना नंबर ऑफ बोल्ट आ रहा है? इस वाले केस में कितना आ रहा है सर? 40। ये 45 mm है। इसमें कितना बोल्ट आ रहा है सर? एक ही आएगा। तो अब मुझे पता है, अब मुझे ये मेरा इतना ही कनेक्शन है, अब मुझे ये पूरी की पूरी प्लेट नहीं देखनी है। मेरे पास सिर्फ कनेक्शन कितना बड़ा बना? कनेक्शन मेरे पास सिर्फ सर इतना बड़ा बचा, ये रहा ऐसे। हमको पूरा कनेक्शन अब देखना ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतनी बड़ी बची प्लेट, हमको यही सॉल्व करना है, बस सर यही सॉल्व करना है। हाँ बेटा, यही सॉल्व करना है। और इसमें कितना बोल्ट पड़ रहा है सर? एक बोल्ट पड़ रहा है। और ये कितनी है सर? ये 45 mm है। डेटा तो लेंगे ही, ऐसा नहीं कि डेटा भूल जाएंगे। ये कितना है सर? प्लेट की विड्थ कितनी है? 45 mm है, और एक बोल्ट पड़ रहा है। ठीक, इसमें सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा, ये 30 है, ये भी 30 है, और ये विड्थ कितनी है? 45 mm है। आपको अब इस पूरी प्लेट से मतलब नहीं, आपका यही क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे करने के बाद सबसे पहली चीज आप लिखा करिए, क्या सबसे पहली चीज लिखा करिए नोट में? नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ, नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ कितना है सर? नंबर ऑफ बोल्ट सर पर पिच लेंथ है 1। कितना आ रहा है हर पिच में? कितना आ रहा है? एक ही बोल्ट आ रहा है हर वो पिच में। कितना बोल्ट आएगा? एक ही बोल्ट आएगा। कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो दो आ जाता है, वो मैं करा दूंगा, अभी 2 मिनट लगेगा, करा दूंगा। अब आपसे पूछा है कि एफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट बताओ, तो मैंने आपसे क्या बोला था? एफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट याद होता तो अभी तक करते क्वेश्चन। एफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट याद करिए, क्या बताया था? एफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट बोला था मैंने कि यहां पर आपको चाहिए डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इनमें से जो क्या है, इनमें से जो मिनिमम है और अपॉन में टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड ग्रॉस प्लेट चाहिए। ठीक है सर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड ग्रॉस प्लेट चाहिए। अब इसका मिनिमम निकालना है तो एफी और इंटू में 100। तुम लोगों कुछ याद नहीं है, मेरे को ही करना पड़ेगा। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैसे निकलेगी सर? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट सर VDSB, VDPB और TDB इनका मिनिमम होता है, और प्लेट में सर TDG, TDN और TDB। तो इनमें से जो मिनिमम होगा वो लेना पड़ेगा,
और अपॉन में सॉलिड ग्रॉस प्लेट मतलब टीडीजी। अब सर एक चीज देखिए, आप तो एक क्वेश्चन में ही बोल दिए कि ब्लॉक को मत कंसीडर करना, तो ब्लॉक को कंसीडर नहीं करेंगे। और दूसरा दूसरा क्या होता है ये बताया था कि ये स्मॉल भी होता है और ये कैपिटल भी होता है, ये बता दिया था, ठीक है। ये ब्लॉक है और ये बोल्ट है, और इसको भी हमको कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है ही नहीं यहाँ पे। तो परसेंट एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालने का मतलब है कि आपको सिर्फ दो चार चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए सर? हमको सिर्फ चार चीज में चाहिए, एक वीडीएसबी चाहिए, एक वीडीपी भी चाहिए, दूसरा टीडीजी चाहिए, और तीसरा चौथा क्या चाहिए? चौथा टीडीएन चाहिए, और अपॉन में क्या चाहिए? अपॉन में टीडीजी चाहिए। तो ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट इनटू में कितना, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट इनटू में कितना, 100। ये हो गया आपके पास, इतना तो आपको चाहिए। तो चार चीज चाहिए, ये दोनों बोल्ट का डेटा है, ये दोनों किसका डेटा है? बोल्ट का डेटा है, बोल्ट के लिए। और ये किसके लिए है? ये सर प्लेट के लिए, जो प्लेट जोड़ रहे हैं उनके लिए निकालिए इसको आप लोग, ठीक है। इतना निकालिए जल्दी से। सबसे पहले वीडीएसबी निकालता हूं मैं, तुम लोग समय लोगे। सबसे पहले मैं निकालता हूं डिजाइन सियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन सियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब उतना समय नहीं लूंगा, पिछले वाले क्वेश्चन में तो बहुत चीजें लिखाई थी। डिजाइन सियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फॉर्मूला जो था, फॉर्मूले में वीडीएसबी वही है, डेटा ही पूरा वही है, आंसर वही आएगा। वीडीएसबी एफयूबी प्लेट का ग्रेड, बोल्ट का ग्रेड कितना, 400 बटे कितना, √3। गामा एमबी का मतलब 1.25, और दो का दोनों कहां से पास होगा, थ्रेडेड से, तो 2 इंटू में 0.78 इंटू में पाई बाई 4 इंटू में डी स्क्वायर, डी का मतलब 16 स्क्वायर, ठीक है। तो ये वीडीएसबी आ जाएगा, और पुराना वाला ही क्वेश्चन है, डेटा बदला ही नहीं है, एक भी डेटा बदला ही नहीं है जानबूझ के। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करिए यार, मेरे से गड़बड़ी हो रही है, सॉल्व करिए। क्या क्वेश्चन में चेंज किया है यार मैंने, 57.94 किलो न्यूटन, ठीक है, जो आया है वो आया है, उसमें क्या गलती करना। शुभम प्रजापति, ठीक। वीडीपी भी दूसरा क्या है, वीडीपी भी दूसरा क्या है, वीडीपी भी, वीडीपी भी 2.5 केबी इंटू डी इंटू टी इंटू में एफयू अपॉन में गामा एमबी, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट 16 है, और एफयू प्लेट का ग्रेड क्वेश्चन में मिस है, ठीक है।
तो मान लीजिएगा या यहीं पे एज्यूम कर ले रहा हूं कि एफ ई 410 है, तो प्लेट का ग्रेड एफ ई 410 है, तो ये 410 और गामा एम बी की वैल्यू 1.25, गामा एम बी की वैल्यू 1.25। ट्राई करिए इसको, के बी वगैरह निकालिए, के बी निकालिए पिछले क्वेश्चन में जैसे निकाला था। केबी कितना आया, केबी कितना आया, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये बता चुका हूं 0.78 से इंटू क्यों होता है, केबी निकालने के लिए ई चाहिए, ई उसने बोला है एंड डिस्टेंस 30 mm, पिच चाहिए, पिच खुद ही बोल दिया है 45 mm। ठीक, तो के बी कितना आएगा, ई अपॉन मेथ, और डीएच कितना, डायमीटर ऑफ होल, ये पहले बता चुका हूं, उस पर बार बार बात नहीं करूंगा मैं, ये 0.78 कैसे करते हैं, ई 30 अपॉन में 3 × 18, फिर 45 अपॉन में 3 × 18 माइनस में 0.25, FUB 410 और 1, इनमें से जो मिनिमम आएगा वही केबी की क्या होगी, इनमें से जो मिनिमम आएगा वही केबी की वैल्यू होगी। तो किसने बताया है, भारती ने बताया है 0.56। ठीक, तो केबी की वैल्यू 0. हम कितना ले लेंगे, 56 ले लेंगे। टी क्या बताया था, टी बताया था कि मेन प्लेट की थिकनेस, मेन प्लेट की थिकनेस और सम ऑफ कवर प्लेट में से जो कम होगा उसको ले लेना, तो मेन प्लेट 18 है और कवर प्लेट की थिकनेस का सम लेना है, तो टी इज मिनिमम ऑफ किसका किसका, मेन प्लेट थिकनेस 18 और सम ऑफ कवर प्लेट मतलब 10 + 10, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई 18 mm। ठीक, बस इसको पुट करिए, आंसर निकालिए। ठीक, तो VDP भी 2.5 KB, KB का मतलब 0.56, D मतलब 16, T मतलब 18, इंटू में FU का मतलब 400, प्लेट का ग्रेड होता है और ये होता है 1/25। ठीक है, जस्ट अभी इसके पहले इसीलिए क्वेश्चन करा दिया था, 2.5
इंटू में 5 6 इंटू में 16 इंटू में 18 इंटू 400 डिवाइड बाई 1.25 डिवाइड बाई 100 नहीं डिवाइड बाई 1000 ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। 2.5 इंटू में 5.3 इंटू में 16 डी इंटू में 18 इंटू में अ फ्यू आएगा 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 कोई दिक्कत नहीं है हमें क्या मतलब ठीक है आ रहा है 129.024 किलोन्यूटन 129.024 किलोन्यूटन। तो आपको क्या मतलब है आपके पास दो डेटा हो गए। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि ये VDSB जो निकल रहा है ये सिर्फ आप एक बोल्ट का एरिया ले रहे हैं। सिर्फ कितने बोल्ट का एरिया ले रहे हैं? एक बोल्ट का एरिया ले रहे हैं ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेटा सारा लिखता जा रहा हूँ कि एक बोल्ट के लिए डिजाइन शियर स्ट्रेंथ कितनी आई 57.94। एक बोल्ट के लिए बीयरिंग स्ट्रेंथ कितनी आई सर 129.04 किलो न्यूटन। जिनको याद है मैंने कहा था कि बोल्ट में यही दोनों निकालने। अब हमको तीसरा काम क्या करना है? हमको सर तीसरा काम निकालना है TDG। TDG निकालना है ठीक है। TDG निकालना है तो TDG मतलब प्लेट की कौन सी स्ट्रेंथ। प्लेट की सर याद करिए ठीक। और यहां पर एक चीज लिखे रहिएगा क्या कि नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ कितना है सर। हर पिच लेंथ में ये एक पिच लेंथ थी ना। नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ कितना है सर। नंबर ऑफ पर पिच लेंथ 1 है। अब हमको निकालना है TDG का मतलब ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग स्ट्रेंथ। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग स्ट्रेंथ ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग स्ट्रेंथ ठीक। और इसका फॉर्मूला होता है TDG इक्वल टू AG इनटू में FY और अपॉन में कितना गामा M0। FY प्लेट Fe410 की है। प्लेट Fe410 की है बेटा। तो इसके लिए FU बता चुका हूं वैसे लिख देता हूं 410 न्यूटन पर mm2 और FY मतलब 250 न्यूटन पर mm2 है। और गामा M0 का मतलब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसकी वैल्यू यहां पर 1.1 हो। और AG को कौन सा एरिया बोलते हैं आप। AG को आप बोलते हैं ग्रॉस एरिया। AG को कौन सा एरिया बोलते हैं आप। ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया का मतलब अनरिड्यूस्ड एरिया जिसमें जो होल है उसका इफेक्ट ना देखें। अब हमको पूरी प्लेट तो है नहीं, हमको इसको एनालाइज भी नहीं करना है, हमको तो ये एनालाइज करना है। तो बड़ा आसान है सर। कैसे सर। ये रही प्लेट। प्लेट की विड्थ कितनी 45 और लोड इस पे ऐसे लग रहा है ठीक है। तो इसकी विड्थ कितनी है सर 18। अरे ये मेन प्लेट ही तो थी। मेन प्लेट थी ये मेन प्लेट है ऐसे ठीक है। ये मेन प्लेट है मेरे पास और इस पे लोड लग रहा है। इस पे लोड लग रहा है कितना पी। तो मैंने बताया था कि लोड। और यहां पर क्या बना हुआ है, यहां पर होल बना हुआ है। ऐसे मान लो यहां पर होल बना हुआ है तो इस जगह पर जो एरिया होगा, इस जगह पर जो एरिया होगा होल जहां पर बना हुआ ये होगा नेट एरिया। और कहीं पर मैं जो एरिया लूंगा वो कौन सा एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक। तो हमेशा लोड के परपेंडिकुलर, ये रहा लोड तो लोड के परपेंडिकुलर ये हो गया। क्या क्या आएगा इसमें सर। इसमें तो सर दो चीज आएगी। क्या क्या आएगी सर। एक तो ये प्लेट की विड्थ आएगी अगर पूरी पता होती और दूसरी क्या आती थिकनेस आती ठीक है। तो ग्रॉस ग्रॉस एरिया कितना आता है सर, विड्थ इनटू में थिकनेस। और नेट एरिया क्या आता है, नेट एरिया यहां क्या आता है सर। नेट एरिया सर बी माइनस में सर कितने होल आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो बी माइनस में 4 × DH × T ये कौन सा एरिया होता सर, ये नेट एरिया होता। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि मुझे प्लेट की विड्थ क्वेश्चन में नहीं गिवन है। समस्या यह है ना कि क्वेश्चन में मुझे प्लेट की विड्थ, ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब मुझे पूरी प्लेट की विड्थ गिवन थी। ये देखिए ना बेटा पूरी प्लेट की विड्थ मैं मान रहा हूं कि ये है।
हमें क्वेश्चन में प्लेट की विड्थ कहाँ की मैंने, तभी तो हमने कहा कि पूरी प्लेट सॉल्व हम कर ही नहीं सकते, हमको इस प्लेट का सिर्फ एक पार्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है सर, ये नहीं है तो आपके पास ये है, ठीक है ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो सर अब कुछ नहीं है सर। अब प्लेट की विड्थ कितनी है सर, अब प्लेट की विड्थ 45 है, प्लेट की विड्थ कितनी है 45 है, और थिकनेस सर अभी भी उतनी होगी, क्योंकि इसमें से जब कट करोगे कोई चीज, इसमें से जब ऐसे एक छोटा सा पार्ट ऐसे कट करोगे तो विड्थ बदल जाएगी, विड्थ छोटी सी ली लेकिन थिकनेस तो वही रहेगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले ये सर टोटल टोटल विड्थ टोटल ग्रॉस एरिया है, ये टोटल नेट एरिया था इस वाले केस के लिए, हम अगर विड्थ होती तो यूज कर लेते, लेकिन हमको विड्थ यूज नहीं, हमारे पास है नहीं, तो हमने प्लेट का एक छोटा सा पार्ट निकाला और उसकी विड्थ कितनी है 45, तो अब हमको ग्रॉस एरिया नेट एरिया इस वाले के लिए निकालना है, ना कि इस वाले के लिए, हमको तो इसके लिए ग्रॉस एरिया निकालना है, इसके लिए ग्रॉस एरिया निकालना है। तो क्या हुआ सर, इस प्लेट की विड्थ कितनी है सर, इस प्लेट की विड्थ है सर 45 mm, और इसकी थिकनेस, थिकनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि थिकनेस अभी भी कितनी होगी सर 18 mm ही होगी, इसी से तो कट किया है, हाँ सर 18 mm होगी। तो अगर मैं लिखूं ग्रॉस एरिया पर पिच लेंथ, पूरा एरिया तो लिख ही नहीं पा रहा ना मैं, ग्रॉस एरिया पर पिच लेंथ, तो कितना आएगा सर, पहले विड्थ बी थी, अब विड्थ किसके बराबर है सर, पिच के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, पी इंटू टी आ जाएगा, ठीक, अब पढ़ रहे हैं तो पहले, अब नेट एरिया कितना आएगा, नेट एरिया सर आपने बोला था, नेट एरिया भी टोटल नहीं आएगा, नेट एरिया आपने बोला था कि सर होल से लेना है, मतलब यहां पर जो एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा सर, नेट एरिया होगा, तो कितना सर, टोटल विड्थ पी थी, टोटल विड्थ पी थी, और कितने होल पड़ रहे हैं सर, एक होल पड़ रहा है, तो पी माइनस में 1 × dh × क्या हो जाएगा सर, टी हो जाएगा, पी मतलब 45 और टी मतलब कितना 18, पी मतलब 45 और टी मतलब कितना 18, तो ग्रॉस एरिया हो गया 45 × 18, और नेट एरिया यहाँ पे जरूरत नहीं है लेकिन पढ़ रहे थे तो 45 × डायमीटर ऑफ होल, मतलब ये गलत है, ये 16 है, नहीं नहीं टी है, टी 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 मतलब, टी मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट, और ये डीएच डायमीटर ऑफ होल कितना 18 × 18, तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा सर, ये ग्रॉस एरिया हो जाएगा, और ये कौन सा एरिया हो जाएगा सर, ये नेट एरिया हो जाएगा। अब आप समझिए कि ये पूरा ग्रॉस एरिया नहीं है, ये ग्रॉस एरिया पर पिच लेंथ है, ये इस प्लेट का ग्रॉस एरिया तो ये होता, इस प्लेट का, इस पूरी प्लेट का नेट एरिया ये होता, बसरते हमको बी नहीं पता है, लेकिन बोलेंगे ग्रॉस एरिया ही, तो ये ग्रॉस एरिया पूरी प्लेट का है, और ये इस प्लेट के ग्रॉस और नेट एरिया सिर्फ इतने बड़े, मतलब इस लेंथ का, यानी कि इस विड्थ का और इस विड्थ, ये विड्थ कितने के बराबर है, पिच के बराबर है, ठीक है। तो अब आप पुट करके निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, अभी तो पूरा नहीं हुआ ना इसमें, ठीक है, ये कितना आएगा, सॉल्व करते हैं TDG की वैल्यू, सॉल्व करते हैं TDG इक्वल टू AG, ग्रॉस एरिया कितना 45 × 18, FY कितना, FY कितना 250, और ये आ गया गामा M0 मतलब 1.1, ये आ गया, ठीक है सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर में, देख लेते हैं बाद में सॉल्व करेंगे, तीसरा तीसरा नहीं जो भी है। अब हम एक और देख लेते हैं क्या सर, TDN, TDN का मतलब नेट सेक्शन स्ट्रेंथ, नेट सेक्शनल रप्चर स्ट्रेंथ, ठीक है नेट सेक्शनल रप्चर स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला क्या था, TDN 0.9 × FU × AN और अपॉन में कितना गामा M1, AN तो पता ही है, FU भी पता है, वो लिखा है, गामा M1 की वैल्यू होती है 1.25, तो पुट कर दीजिए सर, 0.9 FU मतलब 400 प्लेट का, AN मतलब सर वो लिखा ही है 45 − 18, पूरा लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 45 − 18 × 18, तो 0.9 FU AN और गामा M1 की वैल्यू कितनी 1.25, ठीक, तो ये TDG हो गया, ये TDN हो गया, और ये कैसे आया है, पूरी प्लेट का नहीं आया है, ये पर पिच लेंथ का है, 45 × 18 × 250 / 1, ये आ गया 184.09 kN, और ये आ गया
ये आ गया 139.968 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहां पे सारे डेटा लिख लीजिए। अच्छा देखो, वीडीएसबी कितना आया? सर वीडीएसबी आया 57.94 किलो न्यूटन। वीडीपी भी कितना आया? अभी मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, 129.04 किलो न्यूटन। टीडीजी कितना आया सर? टीडीजी आया सर 184.09 किलो न्यूटन। और टीडीएन कितना आया? टीडीएन आया सर, टीडीएन आया 139.97 किलो न्यूटन। अच्छा ये क्या है सर? ये सर एक बोल्ट की सीयर स्ट्रेंथ है, एक बोल्ट की बीयरिंग स्ट्रेंथ है। और ये क्या है सर? प्लेट की ग्रॉस स्ट्रेंथ और प्लेट की नेट स्ट्रेंथ। लेकिन ये कैसी है सर? पर पिच लेंथ है। ये कैसी है सर? ये पर पिच लेंथ है, ये पर पिच लेंथ है। थोड़ा सा लिखने का है बात, बस लिखने की बात है। क्या लिखने की बात है सर? ये एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी आई सर? एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी आई सर? एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है सर? 57.94। ये एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है? 129.04। अगर मैं पूछूं कि डिजाइन सियर स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिजाइन सियर स्ट्रेंथ अभी आगे वाले क्वेश्चन में काम आएगा, डिजाइन सियर स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ अगर तुमसे पूछूं तो सर क्या इसमें कुछ नहीं, पर पिच लेंथ में क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। कैसे क्वेश्चन हो चुका, बस ये आपको समझाने के लिए कि कभी दूसरा क्वेश्चन फंस जाए तो आप दिक्कत ना करें। ठीक, डिजाइन सियर स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ सर, एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है सर? 57.94। और हर पिच में कितना बोल्ट पड़ रहा है सर? एक ही पड़ रहा है, तो सर यही तो आएगा पर पिच लेंथ, 57.94 किलो न्यूटन आएगा। नहीं समझ में? कभी कभी हो सकता है कि एक ही पिच में दो बोल्ट पड़े, कभी कभी का। मान लो जैसे यही होता तो क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसे, ये जो चार बोल्ट है, चार बोल्ट ऐसे ना करके ऐसे प्रोवाइड होते तो जब तुम एक पिच लेते कोई तो ये पड़ता, तो कितने बोल्ट आते सर? दो बोल्ट आते। कितने बोल्ट आते सर? दो बोल्ट आते। तो ये क्या होती सर? ये डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती? पर बोल्ट होती, पर बोल्ट होती। और मेरे पास नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच कितने पड़ते सर? दो पड़ते। नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ कितने पड़ते? दो पड़ते। तो डिजाइन सियर स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ कितनी आती सर? 57.94 इंटू कितना आता? 2 आता। तो ये अंतर है, लिखने का तरीका समझा रहा हूं आपको। ये डिजाइन स्ट्रेंथ पर बोल्ट आई है, पर बोल्ट आई है। अब देख लो पर पिच लेंथ कितनी होगी, उसके लिए सिंपल सा है। डिजाइन सियर स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ और नंबर ऑफ बोल्ट कितना है पर पिच लेंथ सर? 1 है, तो 57.94 इंटू में इतना हो जाएगा। इसी तरीके से डिजाइन सियर स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ, डिजाइन सियर स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ कितना हो जाएगा सर? डिजाइन सियर स्ट्रेंथ सर पर पिच लेंथ, इसमें भी वही चीज आएगी, 129.04 इंटू में कितना? 1। तो ये आ गया 129.04 कितना किलो न्यूटन आ गया। अच्छा प्लेट का अब देखो, अब ठीक है, टीडीजी पर पिच लेंथ कितना आया सर? अब सब पर पिच लेंथ है ना? हाँ सर, टीडीजी पर पिच लेंथ कितना है बच्चा जी? टीडीजी पर पिच लेंथ सर 184.09 किलो न्यूटन। इस क्वेश्चन में इसमें इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ बोल्ट कितने पर पिच लेंथ सर? 1 है, अभी आपने दिखाया था। और टीडीएन पर पिच लेंथ कितना है सर? टीडीएन पर पिच लेंथ है 139.97 किलो न्यूटन। ठीक है, ये इतना हो गया। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालने के लिए मैंने बताया था इन चारों का मिनिमम लेना पड़ेगा। इन चारों में मिनिमम कौन है सर? इन चारों में मिनिमम है सर 57.94 और अपॉन में टीडीजी। टीडीजी कहाँ है सर? ये है, तो 184.09 इनटू में कितना? 100। यही आपकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट हो जाएगी। यह 31.47%। ठीक है, लिख लीजिए।
लिखिए इसको, ठंडी लग रही है लेकिन जैकेट पहन के पढ़ाने में बनता नहीं, क्या किया, लिखिए इसको जल्दी। हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी मैथ में कोई चेंज नहीं होगा, मैथ में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस क्वेश्चन में इतना अंतर कर दिया कि फोर नंबर ऑफ M16 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 इज प्रोवाइडेड इन टू बोल्ट लाइन। हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना मतलब हमको डेटा में और कोई बदल ही नहीं हो रही है, तो ऐसे है ये, ऐसे है ये, रहा एक, ये रहा दूसरी, ये रही प्लेट, दूसरी ये रही प्लेट, और ऐसे कुछ। और अब की बार जैसे पिछली बार एक बोल्ट लाइन थी, अब की बार कितनी बोल्ट लाइन है सर? दो। अब बाकी डेटा सब सेम है, बाकी डेटा पूरे सेम है, मैंने कहीं पर कोई चेंज नहीं किया। और इसका डायग्राम ऐसे बना, ठीक, और इस जगह पे ऐसे चार बोल्ट ही है, अंतर कुछ नहीं आया, चार बोल्ट ही है, बस ऐसे कहानी है। और अभी भी याद रखना कि पिच 45 वाइड, अगर वाइड प्लेट है तो उसमें लोड का कोई मतलब नहीं है, ठीक, लोड की डायरेक्शन का। तो ये पिच है, ये पिच है, और ये गेज है, और गेज हमको कहीं पर काम भी नहीं है पूरे फॉर्मूले में कि सर आपने गेज तो नहीं दिया, कैसे क्वेश्चन करेंगे, गेज की कहीं जरूरत ही नहीं है। और ये रहा क्या सर? ये रहा एंड, एंड लोड से ही डिसाइड होगा, उसमें वाइड और उसका कोई लेना देना नहीं, ये एंड है, ठीक। अब इसमें अंतर क्या आएगा? कुछ नहीं अंतर आएगा, सिर्फ एक चीज है अंतर की। क्या अंतर है? कि जब मैं एक पिच लेंथ बराबर सेलेक्ट करूंगा, एक पिच लेंथ सेलेक्ट करूंगा, तो अब की बार एक पिच लेंथ में कितने बोल्ट पड़ेंगे सर? दो बोल्ट पड़ेंगे, मतलब ये वाला डायग्राम अब की बार इसको ऐसे इतनी बड़ी ही प्लेट लूंगा मैं, ये वाली, तो ये वाला डायग्राम मुझे मिलेगा ऐसे। और अगर आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस देखिएगा ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे कहानी हो गई, ठीक सर, ठीक है। और ये विड्थ कितनी है सर? अभी भी ये विड्थ कितनी है? ये विड्थ 45 ही है। अब क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे तो इस VDSB में, इस VDSB में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो सर पर बोल्ट की है, तो पर बोल्ट स्ट्रेंथ वही आएगी। VDP भी वही आएगा सर, VDP भी वही आएगा, ये क्योंकि पर बोल्ट है ना सर, पर बोल्ट, बोल्ट ना बदला, बोल्ट नहीं बदला, ना प्लेट बदली, बोल्ट के सब बोल्ट ना बदला, प्लेट ना बदला, तो एक बोल्ट की स्ट्रेंथ तो वही आएगी ना। दिक्कत अंतर कहां पर आएगा? अंतर आएगा नंबर ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ कितने हैं सर? 2 है अभी बोल्ट पे, देखिए तो अब की बार डिजाइन शियर स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ। आप ऐसे सोचो कि एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी थी? 57.94। तो अगर ये कनेक्शन है तो इस कनेक्शन में कितने बोल्ट पड़ रहे हैं सर? 2 बोल्ट पड़ रहे हैं, तो इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ टोटल कितनी हो जाएगी सर? दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाई किससे सर? 2, एंड दिस वन इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाई किससे बेटा जी? 2 से, ठीक। सोचिए पिछली बार सिर्फ इस कनेक्शन को बनाने में कितना बोल्ट यूज हुआ था? 1। तो 50, एक बोल्ट की स्ट्रेंथ जो थी वही पर पिच लेंथ की भी हो गई थी, पर पिच लेंथ मतलब ये। और अब की बार 2 बोल्ट है तो ये हो जाएगा, तो ये 57.94। और ये अभी मैं उसपे, इस पे ग्रॉस पे गया नहीं हूँ, ग्रॉस पे गया नहीं हूँ जानबूझ के, कि थोड़ा थोड़ा काम किया जाए। तो ये हो गया 57.94 इंटू में 2, 1115.88 किलो न्यूटन, 1115.88 किलो न्यूटन। और ये वाला कितना आएगा? 129.04,
इनटू में टू 258 पॉइंट कितना 258 पॉइंट कितना 08 किलो न्यूटन आएगा, ठीक है, ये इतना है। अब देखते हैं सर इसको इस तरीके से लेने में क्या अंतर पड़ा टीडीजी और उस पे, ठीक है, टीडीजी और उस पे कितना अंतर पड़ा देखते हैं। अगर आप चाहते तो मैं थ्योरेटिकली कर देता, लेकिन ठीक है आपको हो सकता समस्या। सर आप बोल, मैं आपने कहा था कि टीडीजी मतलब ग्रॉस है, टीडीजी मतलब ग्रॉस है, और ग्रॉस मतलब अनरिड्यूस, जिसपे होल का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सर होल का कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ होल का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चाहे मैं चार होल ऐसे करूं या मैं ऐसे करूं, टीडीजी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर आप याद करिए, आपने कहा था कि ये ऐसे प्लेट है, ये ऐसे प्लेट है, ठीक है, चलिए यहां पर दो होल है, यहां पर दो होल है, यहां पर दो होल है, ठीक, वैसे थ्योरेटिकली मान लेना चाहिए था। तो टीडीजी की वैल्यू क्या आती है, टीडीजी की वैल्यू कहां पे लिखूं, टीडीजी जगह बनाओ, हाँ यहीं पे चलो लिख देता हूं, टीडीजी इक्वल टू सर एजी इंटू एफ वाई इंटू में कितना सर गामा एम नॉट। तो सर एफ वाई और गामा नॉट तो नहीं बदला है क्योंकि प्लेट व्लेट वही है। एजी मतलब क्या हुआ सर, ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया मतलब हमेशा जहां पर होल नहीं बना हुआ है, प्लेट पूरी है, ग्रॉस है, ठीक है। तो सर चाहे जहां पर मैं एरिया लूंगा, ग्रॉस एरिया अभी भी कितना मिलेगा, क्योंकि सर ये विड्थ तो अभी भी 45 है ना, तो ग्रॉस एरिया सर अभी भी 45 इंटू 18 ही मिलेगा। इसका मतलब अभी चाहे मैंने कनेक्शन उस तरीके से बनाया था, चाहे इस तरीके से कनेक्शन बनाया था, ग्रॉस एरिया मुझे इतना ही मिलेगा। एफ वाई गामा एम नॉट सेम है, इसका मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में जो टीडीजी आई थी वो इस क्वेश्चन में भी आएगा, मतलब यही आएगा। अब आते हैं बात नेट एरिया पे, नेट एरिया पे देखो सबसे ज्यादा तो धोखा तुम्हारे साथ ये हुआ। नेट एरिया मतलब सर जहां पर होल है, होल का सर होल है जहां पर, वहां का एरिया मतलब यहां का एरिया, या तो यहां का एरिया, या तो यहां का एरिया, या तो यहां का एरिया। तो सर कहीं पर भी देखिए एक ही होल पड़ रहा है, तो 45 माइनस 18 एक होल पड़ रहा है, एक होल का मतलब डायमीटर ऑफ होल एक, और इंटू में थिकनेस, प्लेट की थिकनेस कितनी है 18, और डायमीटर ऑफ होल कितना है, बोल्ट 16 का है, तो डीएच कितना है 18 है, तो वो कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख दिया 45 इंटू में कितना 18। अरे सर यही तो पिछली बार भी था, पिछली बार सर ऐसे था, पिछली बार ऐसे था सर, एक होल एक होल, तो पिछली बार भी हर नेट सेक्शन में एक ही होल पड़ रहा था, तब भी यहां पर भी एरिया कितना था 45 माइनस 18। इसका मतलब सर आप क्या कह रहे हैं कि टीडीएन इसका फॉर्मूला था 0.9 इंटू में एफ यू इंटू में ए एन अपॉन में कितना गामा एम वन, ठीक, एफ यू भी नहीं चेंज हुआ, गामा एम वन भी नहीं चेंज हुआ, और ए एन भी नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब टीडीएन भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, टीडीएन भी अब की बार यही रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगी एफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट, क्यों, क्योंकि हमको इनमें से लेना होता है मिनिमम, और मिनिमम अब की बार कितना है 139.97 किलो न्यूटन, और नीचे चाहिए होती ग्रॉस स्ट्रेंथ, तो 184.09 इंटू में 100। तो देखिए आपको फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया सर, बोल्ट एक लाइन में प्रोवाइड किया था, बोल्ट एक लाइन में प्रोवाइड किया था, उसके बाद एफिशिएंसी आ गई 75.70। हाँ सर ये तो ठीक है, पिछली बार एफिशिएंसी जब बोल्ट एक लाइन में प्रोवाइड किया था, जब बोल्ट तुमने एक लाइन में प्रोवाइड किया था तब कितना आया था सर, तब सर एफिशिएंसी हमारी आई थी, तब हमारी एफिशिएंसी कितनी आई थी, तब हमारी एफिशिएंसी आई थी सर लगभग 30% के आसपास, तब हमारी एफिशिएंसी कितनी आई थी लगभग सर 30% के आसपास, और आगे अभी हमने उतने नंबर ऑफ बोल्ट ही यूज किए, अभी उतने नंबर ऑफ बोल्ट ही यूज किए, और हमारी एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई, हमारी एफिशिएंसी सर 30% से लगभग 75 पहुंच गई, मतलब 45% एफिशिएंसी बढ़ गई। तो इसीलिए बोला जाता है कि बोल्ट को जितना बोल्ट लाइन में ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा ही क्या मिलेगी आपको, उतनी ज्यादा ही एफिशिएंसी आपको मिलेगी, ठीक। जैकेट पहन लो यार नहीं तो हो जाऊंगा बीमार, हाथ नहीं चलता स्वेटर में, ठंडी बहुत हमारे यहाँ, ठीक है। एक मिनट रुकिए, रुकिए स्टार्ट कर रहा हूं।
छोड़िए, इसमें हाथ ही नहीं चलेगा क्या मतलब। ठीक, तो ठंडी लग रही, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपको करना होगा, अगर आपसे पर पिच मजबूरी है इसमें, क्यों? क्योंकि पूरी बात की ही नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करिए, एक क्वेश्चन और ट्राई करिए। देखिए फाइंड द, लिखिए सर, लिखिए फाइंड द ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, फाइंड द ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, फाइंड द ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। क्वेश्चन जाके पलट के देखो, पहले जब थ्योरी पढ़ाया था तो उसमें ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला लिखा था, देख के आइए। ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला लिखा था, देखिए उसको। फाइंड द ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन। ठीक, ये ऐसे कनेक्शन बना दिया है, आसान था, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ये ऐसे, ये है गसेट, ये है प्लेट, और इसपे ये रहा ऐसे, और ये लग रहा है लोड, और ये रही कहानी ऐसे। ठीक, और ऐसे तो तुम लोगों को भी बताऊं, लिखूंगा तो दिक्कत होगी, चलो छोड़ो। ये है 80 ISF 10, और क्वेश्चन में बोला है, देखिए कैसे क्वेश्चन में बोला है, बोल्ट्स आर प्रोवाइडेड, ये ऐसे याद करिए कि बोल्ट्स आर प्रोवाइडेड एट 40 mm पिच, 40 mm पिच विथ, जरूरी है इसमें, इसके बिना होगा ही नहीं, विथ एंड डिस्टेंस 30 mm। ठीक है, इसमें पहले बताओ कौन सा है। सर लोड के डायरेक्शन में बोल्ट के बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, पिच होती है, तो लोड की डायरेक्शन में बोल्ट के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये हो गई 40। फिर क्या है, फिर ये है कि एंड डिस्टेंस क्या होती है। सर ये जैसे प्लेट है और ये लग रहा है लोड, तो इसको और इसको प्लेट का क्या बोला जाता है, सर एंड बोला जाता है।